प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहाडा अपना विकास कौंसल कंप्यूटर फैकल्टी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कन्या सुनाम। यह लैक्चर सत्तवीं जमात के विद्यार्थियों लिए तैयार किया गया है। इस लैक्चर विच पाठ दूजा विंडोज एक्सप्लोरर संबंधी डिस्कशन की गई है। हेठां तुहानू विंडो एक्सपलोरर अते उसके वख वख भागां दा चित्र दिखाया गया है। विंडो एक्सपलोरर की है? विंडो एक्सपलोरर नू फाइल एक्सपलोरर भी कहा जाता है। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। इसकी वरतों कंप्यूटर विच मौजूद ड्राइव्स फाइलां अते फोल्डरां नू देखने लई ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਰਾਈਵਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਫੋਲਡਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? कंप्यूटर विच स्टोर कीती जाण वाली किसी भी तरह की जानकारी या डाटा नूं फाइल के रूप में ही स्टोर किया जाता है। भाव जिवें तुसी पेंट दे विच कोई फाइल बनाई या एमएस वर्ड च कोई एप्लीकेशन टाइप कीती, किसी भी प्रोग्राम विच कीता गया काम किसी न किसी फाइल के रूप में ही स्टोर किया जाएगा। उस तरह मान लो तुसी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हो या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस ओहो चीज भी एक फाइल के रूप में ही स्टोर की जाएगी। तो इसका मतलब यह होया कि कंप्यूटर विच जो भी तुसी काम कर रहे हो वह किसी ना किसी फाइल के विच ही फाइल के रूप में ही स्टोर किया जाएगा। वक् वक् फाइलों विच वक् वक् तरह की जानकारी स्टोर होती है, जिवें पेंट की फाइल च ड्राइंग या वर्ड की फाइल च कोई डॉक्यूमेंट या ऑडियो फाइल विच अपनी आवाज, वीडियो फाइल विच वीडियो। तो वख-वख किस्म दियां फाइलों विच वख-वख किस्म का डाटा स्टोर हुंदा है। फाइल बनाउंदे समय उसनू एक नाम दिता जांदा है जिसनू फाइल का नेम डॉट एक्सटेंशन नेम कहा जांदा है। फाइल का नाम तो तुसी खुद दिंदे हो पर एक्सटेंशन नेम जिस प्रोग्राम विच तुसी फाइल नूं बनाया है उस प्रोग्राम ने अपने आप अपनी पहचान उस फाइल दे नाम नाल लगा देनी है। जिहड़ा एक्सटेंशन नेम है वह फाइल दी किस्म नूं दर्शाउंदा है। उदाहरण लई एक फाइल का नाम है माई फाइल डॉट जेपीजी। इस फाइल विच माई फाइल फाइल का नाम है अते जेपीजी एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन तो सानू पता लगता है कि यह फाइल किस किस्म की है। जेपीजी फाइल एक पिक्चर फाइल होंगी है। उस तरह मान लो तुसी एक होर फाइल कोई साउंड फाइल है जिदा नाम एबीसी है डॉट एमपी थ्री उसके नाल लग्या होया है, तो डॉट तो बाद वाली चीज एक्सटेंशन नेम होंगी है अते डॉट तो पहला वाली चीज फाइल नेम होंगी है। MP3 एक्सटेंशन किसी साउंड या ऑडियो फॉर्मेट या ऑडियो फाइल नो दर्शाती है। MP4 फाइलां तुसी सुनिया होनगियां। MP4 फाइलां वीडियो फाइल्स होंगे हैं आम तौर पर। तो MP4 तो पता लग गया कि यह फाइल वीडियो फाइल है। तो एक्सटेंशन नेम सानू उस फाइल की किस्म संबंधी जानकारी दिंदी है कि वह फाइल किस किस्म की है। वख-वख किस्म दे फाइलों ते उन्हां दी एक्सटेंशन संबंधी असीं हेठां दित्ते चित्र विच समझदे हां। इस तस्वीर विच पांच छोटे छोटे तस्वीरां दिखाईआं गईआं हन। यह सारे आईकॉन्स ने। यह आईकॉन वख-वख किस्म दीआं फाइलां नूं दर्शाउंदे हन। तुसी फाइल दे आईकॉन तो भी पहचान कर सकते हो
ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ JPG ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ .txt .pptx .docx ਡੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ। ਜੋ JPG ਫਾਈਲ ਹੈ JPG ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। txt ਫਾਈਲ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਪੈਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। pptx ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ MS ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। docx ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ MS ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ xlsx ਇਹ ਫਾਈਲ ਐਕਸਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਕਬੁੱਕ ਫਾਈਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਆਈਕੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਲਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਫੋਲਡਰ। ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੈਗ। ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕਾਪੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਬੈਗ ਵਿੱਚ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੋਲਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ ਡਾਟਾ। ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਫਾਈਲ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਫੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਫੋਲਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਕੋਨ ਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਯੈਲੋ ਕਲਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਲਡਰ ਮਾਈ ਡਾਟਾ ਨਾਮ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਈ ਡਾਟਾ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਆਫਿਸ ਫਾਈਲਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਫਿਸ ਫਾਈਲਸ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸਬ ਫੋਲਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਐਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੀ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਨੇਮ ਨਿਊ ਫੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ
किसी ना किसी डिस्क या डिस्क ड्राइव उपर स्टोर हुंदा है। ड्राइव ओह हार्डवेयर या डिस्क हुंदी है जिस उपर फाइलां ते फोल्डरां नूं स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर विच वख-वख किस्मां दीआं डिस्कां हो सकदीआं हन। हर कंप्यूटर विच आम तौर ते हार्ड डिस्क नाम दी ड्राइव हुंदी ही हुंदी है जिस विच साडे वल्लों बनाईआं गईआं सारीआं फाइलां ते फोल्डर ऑटोमैटिकली स्टोर हुंदे रहिंदे हन। असीं अपने फाइलां जां फोल्डरां नूं पेन ड्राइव जां सीडी डीवीडी उपर भी स्टोर करवा सकदे हां। जिवें कि हेठां चित्र विच माई कंप्यूटर विच दर्शाया गया है, हार्ड डिस्क ड्राइव दा आईकोन इह है अते इह सीडी जां डीवीडी दा है। पेन ड्राइव दा आईकोन उस समय शो होवेगा जदों असीं कंप्यूटर नाल पेन ड्राइव अटैच करांगे। कंप्यूटर विच हरेक डिस्क ड्राइव नूं अंग्रेजी दे एक अल्फाबैट नाल प्रदर्शित किया जाता है। जिवें कि हार्ड डिस्क ड्राइव नूं सी अल्फाबैट नाल अते सीडी या डीवीडी नूं उस तो अगले अल्फाबैट सी तो अगला अल्फाबैट डी डी नाल प्रदर्शित किया गया है। इस तरह जेकर असीं अपनी पेन ड्राइव इस नाल अटैच करांगे तां उस लई जो अल्फाबैट आवेगा ओह होवेगा ई ई ड्राइव, क्योंकि डी तो अगला लैटर ई है। जे एक होर पेन ड्राइव असीं ई ड्राइव तो बाद एक होर पेन ड्राइव एक लगा दईए तां उसका ड्राइव लैटर एफ होवेगा। एक कंप्यूटर विच एक तो वध हार्ड डिस्क ड्राइव्स भी शो हो सकदियां हन। यह निर्भर करता है कि हार्ड डिस्क नूं किन्ने भागां विच वंडिया गया है। आओ हुण देखते हाँ विंडोज़ एक्सपलोरर नूं खोलण दा तरीका। विंडोज़ एक्सपलोरर खोलण लई रन बॉक्स खोलो, जिस लई विंडो प्लस आर बटन नूं इकट्ठे दबाओ। इस तरह दा एक बॉक्स जिन्हों रन बॉक्स कहा जाता है खुलेगा। इस विच एक्सपलोरर शब्द ई एक्स पी एल ओ आर ई आर टाइप करो अते ओके बटन उत्ते क्लिक करो। जदों तुसी ओके बटन ते क्लिक करोगे तो तुहानू इस चित्र विच दिखाए अनुसार एक बॉक्स दिखाई देवेगा। यह वख-वख नाम जो इसके वख-वख भागां नूं दिते गए हैं दर्शाए गए हैं। इन्हां वख-वख भागां दे नाम तुहानू पता होने जरूरी हैं तां कि तुसी कंप्यूटर नूं चंगी तरह हैंडल कर सको। सब तो उपर जो पट्टी हुंदी है उसनू टाइटल बार कहा जाता है। उस दे सज्जे पासे तीन बटन, क्लोज बटन, मैक्सीमाइज या रीस्टोर बटन, मिनीमाइज बटन, इन्हां बटन संबंधी असीं पहला भी चर्चा कर चुके हाँ। टाइटल बार दे नीचे एड्रैस बार जो तुहानू यह दर्शाउंदा है कि तुसीं किस लोकेशन ते किस जगह ते फोल्डर या फाइल नूं ओपन किया है। यह है सर्च बॉक्स जिस राही तुसीं कंप्यूटर विच्चों किसी फाइल या फोल्डर नूं सर्च कर सकते हो। यह बैक अते फॉरवर्ड बटन हन। एड्रैस बार अते सर्च बॉक्स के नीचे एक मेनू बार हुंदी है जिस विच फाइल एडिट व्यू टूल्स अते हेल्प मेनू हुंदे हन। इन्हां मेनूज विच कमांड्स हुंदियां हन जिन्हां दी सहायता नाल असीं इस विंडो एक्सप्लोरर विच वख-वख कम कर सकते हाँ। विंडो एक्सप्लोरर दे दो भाग हुंदे हन जिन्हां नूं खब्बा पेन अते सज्जा पेन कहा जाता है। खब्बे पेन अते सज्जे पेन दे निचले पासे स्टेटस बार हुंदी है। आओ विंडो एक्सप्लोरर दे पेन्स या वख-वख पार्ट्स भाग बारे जानकारी हासिल करते हैं। जिवें कि असीं पिछले चित्र विच भी कहा सी विंडोज़ एक्सप्लोरर दे दो पेन्स हुंदे हन, खब्बा पेन अते सज्जा पेन। यह रैड बॉक्स खब्बे पेन नूं दर्शा रहा है, यह ब्लू बॉक्स सज्जे पेन नूं दर्शा रहा है। खब्बे पेन विच सानू फोल्डर जां ड्राइव्स ही शो होणगियां। इस भाग विच कदे भी असीं फाइलां नहीं देख सकते, जबकि सज्जे पेन विच सानू
ਫਾਈਲਾਂ ਫੋਲਡਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ? ਜੋ ਖੱਬੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਲਡਰ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਮ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੋਲਡਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਮ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੋਲਡਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਕੋਨ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਈਕੋਨ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਫੋਲਡਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਕੋਨਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਫੋਲਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਕਚਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿਕਚਰ ਫੋਲਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੀ ਅਤੇ ਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਰਾਈਵਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ ਡਰਾਈਵ ਸੀ ਡੀ ਜਾਂ ਡੀ ਵੀ ਡੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਫੋਲਡਰ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਲਾਂ ਫੋਲਡਰ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 8 ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਲ ਆਈਕੋਨ ਵਿਊ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਕੋਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਆਈਕੋਨ ਵਿਊ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਲਾਰਜ ਆਈਕੋਨ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਈਕੋਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਲਜ਼ ਆਈਕੋਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਸਟ ਆਈਕੋਨ ਵਿਊ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਕੋਨਸ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਸ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਆਈਕੋਨ ਵਿਊ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਕੰਟੈਂਟ ਆਈਕੋਨ ਵਿਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ 8 ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਡੈਸਕਟੌਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਸਕਟੌਪ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਆਈਕੋਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੈਲੋ ਆਈਕੋਨ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ PPTX, ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ PPTX ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ R ਬਟਨ ਇਕੱਠੇ ਦਬਾਓ, ਰਨ ਬਾਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ EXPLORER, ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ, ਫਿਰ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ,
सर्च बॉक्स मेनू बार नहीं है, मेनू बार खोलन लिए असी अल्टर दब के एफ करांगे तो सानू मेनू बार दिखाई देन लग जाएगा अते लोड ना पैन ते वह अपने आप गायब हो जाता है। यह खब्बा पेन है, यह सज्जा पेन है। खब्बे पेन विच जे अगर असीं डॉक्यूमेंट्स उपर क्लिकांगे तो डॉक्यूमेंट्स विच जो फाइलां जां फोल्डर हन वह सानू दिखाई देनगी। आ देखो एक फोल्डर माई डाटा नाम का स्टोर किया होया है। म्यूजिक फोल्डर विच सैंपल म्यूजिक नाम का एक फोल्डर है। इस फोल्डर उपर डबल क्लिक करके असीं इसनू खोल के देख सकते हाँ। इस विच तीन म्यूजिक फाइलां पहलां तो ही स्टोर हैं। पिक्चर फोल्डर विच पिक्चर फाइलां स्टोर होंदियां हन। वीडियोज़ फोल्डर विच वीडियोज़ फाइलां, जिवें कि तुहानू दस्या जा चुकिया है कि यह फोल्डर पहलां तो ही विंडो विच बने हुए हन अते इन्हां दा आइकोन चेंज किया होया है। सेम उस तरह माई कंप्यूटर विच असीं ड्राइव्स नू देख सकते हाँ। माई कंप्यूटर विच असीं दो ड्राइव्स सी अते डी देख रहे हाँ। सी ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव है जबकि डी ड्राइव सी डी या डीवीडी नू दर्शा रही है। जेकर असीं सी ड्राइव उपर डबल क्लिक करके खोलांगे तो उस विच मौजूद फोल्डर या फाइलां सानू दिखाई देनगियां। आओ हुण इन्हां दे व्यू नू चेंज करन दा तरीका देखिए। इस व्यू नू चेंज करन लई राइट साइड ते मोर ऑप्शन है, इस ते क्लिक करांगे सानू यह अठ व्यू दिखाई दे रहे हैं। आओ सब तो पहला पहला व्यू कंटेंट व्यू उपर क्लिक करते हाँ। कंटेंट व्यू उपर क्लिक करके सानू विंडो विचलियां फाइलां या फोल्डर इस तरह दिखाई देंगे। टाइल्स उपर क्लिक करन नाल इस तरह दिखाई देंगे। चीज़ एक ही है, सिर्फ उसनू देखन दा अलग अलग ढंग है। डिटेल्स उपर क्लिक करांगे इस तरह डिटेल्स समेत फोल्डरस दिखाई देंगे। लिस्ट उपर क्लिक करांगे जस्ट उन्हां दी लिस्ट दिखाई देवेगी, डिटेल्स दिखाई नहीं देवेगी। समाल आईकॉन्स नाल छोटे आईकॉन्स दे तौर ते सानू दिखाई दे रहे हन। आईकॉन दा साइज़ बड़ा करना है, मीडियम आईकॉन्स नाल इन्हां नू देख सकते हाँ। लार्ज आईकॉन्स नाल क्लिक करके देख सकते हाँ। अते एक्सट्रा लार्ज सब तो बड़े आईकॉन दे तौर ते असीं इन्हां नू देख सकते हाँ। यह सी विंडो एक्सपलोरर अते इस विच व्यू चेंज करन दे वख-वख तरीके। आओ हुण इस नू असीं आम डिटेल व्यू विच ही ओपन करते हाँ। आओ हुण सीखते हाँ कि एक नवा फोल्डर किवें बनाउणा है। विंडो एक्सपलोरर विच एक ऑप्शन न्यू फोल्डर जो इस दे टूल बार उपर मौजूद है, इस दी सहायता नाल भी असीं फोल्डर बना सकते हाँ। जिवें असीं इस उपर क्लिक करांगे एक न्यू फोल्डर बन गया। इसनू जो भी नाम देना चाहते हो तुसीं दे सकते हो, जिवें सैवंथ क्लास एंटर करांगे तो सैवंथ क्लास का एक खाली फोल्डर बन चुका है। असीं वीडियो लैक्चर विच शॉर्टकट तरीके नाल कीबोर्ड की सहायता नाल भी फोल्डर बनाना सीखिया सी, जिदे लई असीं कंट्रोल शिफ्ट अते एन तिन्ने बटन इकट्ठे दबावांगे तो एक नवा फोल्डर बन जाएगा। जो नाम भी इसनों असी देना चाहते हैं वह दे सकते हाँ। चैप्टर टू एंटर कर दवो, उस तो बाद को एक फोल्डर बन गया। इस फोल्डर नू खोल के देखना है तो इस उपर डबल क्लिक करके तुसी देख सकते हो। इस विच फिर फोल्डर या फाइलां बना के सेव कीतिया जा सकदियां हन। एक फोल्डर विच किन्ने मर्जी फोल्डर या सब फोल्डर हो सकते हैं। यह सी हुण तक जो असी वीडियो लैक्चर विच समझा है पढ़िया है उस संबंधी प्रैक्टिकल। आओ हुण असी अगले टॉपिक्स बारे डिस्कशन करिए। किसी आइटम नू कॉपी करन दे स्टैप। जेकर तुहाडे कंप्यूटर विच किसी एक थां उपर कोई फाइल या फोल्डर पई है अते तुसी उस फाइल या फोल्डर दी एक कापी बना के दूसरी थां उपर रखना चाहते हो तां तुसी हेठ लिखे कदम अपना सकते हो। जिस आइटम नू तुसी कॉपी करना है सब तो पहला उसनू सिलेक्ट करो। वह आइटम कोई फाइल या फोल्डर कुछ भी हो सकता है। फिर एडिट मेनू विच कापी ऑप्शन ते क्लिक करो। तुसी उस आइटम उपर राइट क्लिक करके भी कॉपी ऑप्शन उपर क्लिक कर सकते हो। फिर आइटम नू पेस्ट करने लई नवी थां निर्धारित करो, भाव उस लोकेशन ते जाओ जिथे तुसी उस
आइटम नू जा फाइल या फोल्डर नू रखना है। फिर एडिट मेनू विच जाके या राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करो। इस तरीके नाल तुहाडी सिलेक्ट कीती फाइल या फोल्डर दूसरी थां उपर कापी हो जाएगी, जिसका मतलब यह होया कि वही फाइल या फोल्डर हुण तुहाडे कोल दो थावां उपर पिया है। सेंड टू ऑप्शन नाल आइटम नू कॉपी करना। जेकर असी अपनी किसी फाइल या फोल्डर नू पेन ड्राइव विच कॉपी करना चाहते हाँ तो उसनू असी सेंड टू ऑप्शन की मदद नाल भी कॉपी कर सकते हाँ। जिस आइटम नू कॉपी करना है उसकी चोण करो, भाव उस उपर क्लिक करो। सिलेक्ट कीती आइटम उपर भावें वह फाइल है जां फोल्डर है उस उपर माउस नाल राइट क्लिक करो। फिर एक मेनू खुलेगा जिसनू प्रॉपर्टीज़ मेनू कहा जाता है, जिमें कि यह हेठां चित्र विच दिखाया गया है। इस मेनू विचों सेंड टू ऑप्शन ते क्लिक करो। एक होर मेनू खुलेगा जिसनू सब मेनू कहा जाएगा। इस विच अपनी पेन ड्राइव दे लैटर नू पहचानो अते उस उपर क्लिक कर दो। जदों ही तुसी पेन ड्राइव दे ऑप्शन उपर क्लिक किया तुहाडी सिलेक्ट कीती फाइल उस विच ट्रांसफर होनी कॉपी होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह असी बिना कॉपी पेस्ट दी ऑप्शन वरते किसी फाइल या फोल्डर नू आसानी नाल पेन ड्राइव विच सेंड कर सकते हाँ। आओ रन कमांड संबंधी डिस्कशन करिए। रन कमांड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। इसकी वरतों किसी प्रोग्राम नू सीधे तौर पर चलाने लई कीती जांदी है, भाव सानू कोई मेनू या स्टार्ट मेनू या किसी शॉर्टकट उपर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। असी सीधा ही इस बॉक्स विच उस एप्लीकेशन का नाम टाइप करके उसनू ओपन कर सकते हाँ। रन कमांड खोलन लई या इस बॉक्स नू रन बॉक्स नू खोलन लई असी विंडो की प्लस आर बटन की वरतों करांगे। सर्च कमांड। सर्च कमांड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। इसकी वरतों किसी फाइल या फोल्डर नू आसानी नाल लभन लई कीती जांदी है। विंडोज़ एक्सप्लोरर दे भागां दे नाम वेले असी सर्च ऑप्शन बारे जिक्र कीता सी। यह हेठां दिखाया गया उही बॉक्स है। इस विच उस फाइल या फोल्डर का नाम टाइप करो जिसनू तुसी कंप्यूटर विचों लभना चाहते हो। सर्च करने लई विंडोज़ एक्सप्लोरर विच सर्च बॉक्स की वरतों की जाती है, जिमें कि हेठां चित्र विच दिखाया गया है। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बारे आपां सारे ही जानते हाँ कि इसकी वरतों गणनावां करने लई की जाती है, परंतु कंप्यूटर विच भी कैलकुलेटर नाम का एक प्रोग्राम हुंदा है जो साडा कैलकुलेशन करने विच सहायता करता है। कैलकुलेटर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सधारण एप्लीकेशन है। यह आम कैलकुलेटर की तरह हुंदी है, जिमें कि इस चित्र विच दिखाया गया है। इसकी वरतों गणनावां जां कैलकुलेशन्स कह सकते हाँ करवाउण लई कीती जांदी है। इस नूं खोलण लई रन बॉक्स विच कैलक CALC टाइप करके ओके बटन उपर क्लिक करके इसनों खोलिया जा सकता है। आओ हुन बैकग्राउंड बदलन दे स्टेप देखिए। बैकग्राउंड हुंदा की है? डेस्कटॉप दे पिछले पासे तुहानू एक वड्डी फोटो दिखाई दे रही हुंदी है जिसनों बैकग्राउंड कहा जाता है। बैकग्राउंड उपर असी कोई भी फोटो लगा सकते हाँ। आओ इस दे स्टेप देखते हाँ। डेस्कटॉप दे खाली भाग विच माउस नाल राइट क्लिक करो। एक मेनू खुलेगा उस विच परसनलाइज नाम दी ऑप्शन होगी, उस उपर क्लिक करो। इस ऑप्शन उपर क्लिक करने तो बाद एक बॉक्स खुलेगा जिसनू परसनलाइज डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। इस विच डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन ते क्लिक करो। फिर अपने पसंद अनुसार तस्वीर की चोण करो। उस तो बाद सेव चेंजेस बटन उपर क्लिक कर दवो। आओ हुण इन्हां सारे कंसैप्टां दे असीं प्रैक्टिकल करके देखते हाँ।
सब तो पहला असीं किसी फाइल नूं कॉपी करना सिखांगे। सब तो पहला असीं विंडो एक्सप्लोरर खोलांगे। विंडो आर बटन दब के इस विच एक्सप्लोरर शब्द टाइप करन तो बाद असीं ओके बटन ते क्लिक करके विंडोज़ एक्सप्लोरर नूं खोल सकते हाँ। मैक्सीमाइज बटन नाल असीं इसका साइज बड़ा कर सकते हाँ। आओ किसी फाइल या फोल्डर नूं कॉपी करते हाँ। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर उपर क्लिक किया, इस विच एक माई डाटा नाम का फोल्डर है। इस विच डबल क्लिक करके इसनों खोलिया। इस विचों असी लैक्चर वन नाम की फाइल में सी ड्राइव उपर कॉपी करना चाहते हाँ। तो उस लई सब तो पहला फाइल उपर क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन या एडिट मेनू खोलन लई अल्टर ई एडिट मेनू खुल जाएगा। इस विच कॉपी ऑप्शन उपर क्लिक कर सकते हो। दोवां विचों कोई भी एक तरीका वरत के तुसीं कॉपी कर सकते हो। तो एक सिंपल तरीका राइट क्लिक कॉपी करना है, फिर जिस थां उपर तुसीं उसनूं रखना चाहते हो उसकी कॉपी रखना चाहते हो उस उपर क्लिक करो। असीं सी ड्राइव उपर उसनूं रखना चाहते हाँ। इस उपर क्लिक करन तो बाद सी ड्राइव के खाली एरिए दे विच या असीं सैवंथ क्लास के फोल्डर विच इसनूं लैके जाना चाहते हाँ फोल्डर खोलो, फिर उस उपर राइट क्लिक करके खाली थां विच राइट क्लिक करके पेस्ट करो जां फिर एडिट मेनू अल्टर दब के ई बटन दबण नाल साडे कोल एडिट मेनू खुल जाएगा। इस विच पेस्ट नाम की ऑप्शन उपर क्लिक करके असीं उस आइटम नूं इत्थे पेस्ट कर सकते हाँ। इस तरह लैक्चर वन नाम की फाइल साडे कोल दो थां उपर मौजूद होवेगी, एक डॉक्यूमेंट फोल्डर विच एक सी ड्राइव उपर सैवंथ क्लास के फोल्डर विच। सैवंथ क्लास के इस फोल्डर विच असीं एक फाइल कॉपी कर चुके हाँ लैक्चर वन। जेकर असीं किसी फाइल नूं एक थान तो मूव करके एक थान तो हटा के दूजी थान लैके जाना चाहते हाँ तो उसके लिए असीं कट अते पेस्ट ऑप्शन की वरतों करांगे। आओ हुण देखते हाँ किवें कट अते पेस्ट ऑप्शन की वरतों कर सकते हाँ। उदाहरण लई असीं डॉक्यूमेंट फोल्डर विच गए। इस विचों माई डॉक्यूमेंट फोल्डर विचों असीं नोट्स नाम की फाइल नूं मूव करवाना चाहते हाँ सैवंथ क्लास के फोल्डर विच जो कि सी ड्राइव उपर उपलब्ध है। तो उसके लिए इस उपर राइट क्लिक करो, कट ऑप्शन आएगी या फिर अल्टर ई दब के एडिट मेनू खोलो, इस विच भी कट ऑप्शन आएगी। इन्हां विचों कोई भी एक तरीका वरत के तुसीं इस फाइल नूं कट सकते हो। जदों कट किया तो तुहानूं यह फाइल थोड़ी जी लाइट कलर च शो होगी, जिसका मतलब है यह फाइल इतों कट हो चुकी है। हुण इसनूं जिस थां उपर रखना है उस थां उपर जाके असीं पेस्ट करांगे। प्यारे विद्यार्थियों इत्थे इस चीज़ का ध्यान रखो कि कट करन तो बाद भी सानूं पेस्ट करना पैंदा है अते कॉपी करन तो बाद भी पेस्ट करना पैंदा है। कॉपी पेस्ट नाल फाइल दोवें थावां ते रहेगी, जबकि कट पेस्ट नाल फाइल एक थां तों कट करके दूजी थां उपर मूव हो जाएगी। आओ हुण इसनूं दूसरी थां उपर लैके जाने हां। सी ड्राइव सैवंथ क्लास फोल्डर विच डबल क्लिक किया अते राइट क्लिक करके पेस्ट कर देवो। ये देखो सैवंथ क्लास के फोल्डर विच फाइल आ चुकी है। हुण असीं डॉक्यूमेंट विच माई डाटा फोल्डर विच जे देखिए तो इत्थों ये फाइल खत्म हो चुकी है। इत्थों ये फाइल शिफ्ट होकर मूव होकर उस नवी लोकेशन सी ड्राइव के सैवंथ फोल्डर उपर मूव हो चुकी है। आओ हुण असीं जेकर इस फाइल नूं पेन ड्राइव विच पाउणा चाहते हाँ तो उसनूं किवें सेंड टू ऑप्शन की मदद नाल कॉपी करांगे इस बारे प्रैक्टिकल करके देखते हाँ। मैं सब तो पहला इस कंप्यूटर नाल पेन ड्राइव अटैच करांगा। मैं पेन ड्राइव अटैच कर दी। पेन ड्राइव शो करवाउन लई कंप्यूटर उपर एक बार क्लिक करके देखो, शो नहीं हुई। पेन ड्राइव डिटेक्ट करन नूं कई बार थोड़ा जा समा लगा दिंदा है कंप्यूटर। ये देखो ई ड्राइव का एक आईकोन तुहानूं शो हो रहा है, यह पेन ड्राइव नूं दर्शा रहा है। जदों असीं सेंड टू ऑप्शन की वरतों करांगे तो इस ई ड्राइव उपर असीं फाइल नूं सेंड करांगे। आओ हुण देखदे हाँ डॉक्यूमेंट्स विच जाके प्रेजेंटेशन। इस विच माई डाटा विच एक फाइल है लैक्चर वन,
इस फाइल नूं असीं पेन ड्राइव उपर सेंड करना चाहुंदे हां। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज मेनू विच सेंड टू ऑप्शन। तुसीं इत्थे देख सकते हो कि ई ड्राइव तुहानूं नज़र आ रही है। जेकर तुसीं सी ड्राइव उपर भी इस नूं सेंड करना चाहुंदे हो तां सी ड्राइव उपर भी सेंड कर सकते हो। तां असीं पेन ड्राइव उपर यह फाइल सेंड करनी है तां पेन ड्राइव दा ड्राइव लैटर ई है, उस उपर क्लिक करके असीं इस फाइल नूं पेन ड्राइव विच भेज सकते हाँ। विंडो एक्सपलोरर दे खब्बे भाग विच असीं पेन ड्राइव दे लैटर उपर क्लिक करांगे तां पेन ड्राइव साडी स्क्रीन उपर ओपन हो जाएगी, जिथे तुसीं देख सकते हो कि लैक्चर वन इस पेन ड्राइव विच कॉपी हो चुका है। इस तरह से बिना कॉपी अते पेस्ट किए उस फाइल नूं पेन ड्राइव विच कॉपी कर सकते हाँ। आओ हुण कैलकुलेटर बारे जानकारी हासिल करते हाँ, जिस नूं असीं रन बॉक्स राही खोलांगे। सब तो पहला कीबोर्ड तो विंडो अते आर बटन कट्ठे दबाओ, एक बॉक्स रन बॉक्स खुलेगा। इस विच तुसीं कैलकुलेटर ओपन करन लई सी ए एल सी या जिहड़ा भी प्रोग्राम तुसीं ओपन करना चाहुंदे हो रन बॉक्स नाल, नोटपैड, कैलकुलेटर, एक्सप्लोरर वगैरह, जो भी शब्द तुसीं टाइप करोगे उसके मुताबिक वह एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। कैलकुलेटर खोलने लिए असीं इस विच कैलक नाम का सी ए एल सी नाम का शब्द टाइप करांगे अते ओके बटन पर क्लिक कर। ओके बटन उपर क्लिक करदे सार साडे कोल इक कैलकुलेटर नज़र आएगा, जिस विच जो भी कैलकुलेशन करनी है, जो वैल्यूज़ उपर काम करना है वह क्लिक करके टाइप कर सकते हो। मान लो असीं जोड़ करने का काम करना, प्लस ते क्लिक किया अते जिहड़ी वैल्यू इस विच जोड़नी है वह बटन क्लिक किए अते एंड विच इक्वल टू बटन उपर क्लिक कर दो, तुहानूं दोवें वैल्यूज़ का जोड़ नज़र आ जाएगा। इस तरह तुसीं कैलकुलेटर की वरतों कर सकते हो। आओ हुण बैकग्राउंड बदलन दे स्टैप देखते हाँ। बैकग्राउंड बदलन लई बैकग्राउंड की है, यह तस्वीर जो तुहानूं दिखाई दे रही है डैस्कटॉप के पिछले पासे, इसनों बैकग्राउंड कहा जाता है। इस उपर एक तस्वीर नू लगाया गया है, इस तस्वीर नू बदलन दे स्टैप देखते हैं। डैस्कटॉप के खाली एरिए विच राइट क्लिक करो, परसनलाइज नाम की ऑप्शन है उस उपर क्लिक करो। इस विच डैस्कटॉप बैकग्राउंड नीचे जिमें कि तुहानूं दिखाया गया है इस ऑप्शन उपर क्लिक करना है। तुहाडे कोल कुछ तस्वीरां नज़र आउणगियां, इन्हां विचों जिहड़ी तस्वीर तुसीं डैस्कटॉप उपर बैकग्राउंड के तौर पर वर्तना चाहते हो उस उपर क्लिक करो। उदाहरण लिए असी इस तस्वीर नूं बैकग्राउंड उपर लगाना है, इस उपर क्लिक करते हाँ। क्लिक करन सार ही देखो तो वह पिक्चर वह तस्वीर बैकग्राउंड उपर लग चुकी है। जेकर कोई होर तस्वीर तुसी लगाना चाहते हो तो उस उपर भी क्लिक करके तुसी देख सकते हो। उदाहरण लई यह इस तरह तुसी अपनी पसंद अनुसार बैकग्राउंड उपर तस्वीर सैट कर सकते हो, या यही जिहड़ी भी पिक्चर तुसी लगाना चाहते हो क्लिक करन तो बाद सेव चेंजेस बटन उपर क्लिक किया जाएगा। पर जेकर तुहानू इन्हां विचों कोई भी तस्वीर वधिया नहीं लगती, तुहाडे कंप्यूटर विच कोई होर फाइल किसी थान ते पई है, तुहानू उस फाइल की लोकेशन बारे पता है, तो ब्राउज बटन दे उपर क्लिक करके तुसी उस लोकेशन तो भी पिक्चर्स नू लैके आ सकते हो। सेव बटन सेव चेंजेस उपर क्लिक करांगे ते हुण असीं परसनलाइज बॉक्स नू बंद कर देवांगे। आओ हुण असीं सर्च बॉक्स बारे भी जानकारी हासिल करदे हां। सर्च बॉक्स लई सानू फाइल एक्सप्लोरर खोलना पवेगा। फाइल एक्सप्लोरर नू खोलण लई तुसीं इस ऑप्शन उपर भी क्लिक कर सकते हो, या विंडो आर दब के एक्सप्लोरर टाइप करके ओके क्लिक करके तुसीं एक्सप्लोरर खोल सकते हो। मन लो असी लैक्चर वन नाम की फाइल नू सर्च करना चाहते हाँ, तो इस सर्च लाइब्रेरी बॉक्स विच कितों सर्च करना है उस उपर डिपेंड करता है। इस लाइब्रेरी बॉक्स विच असी लैक्चर एल ई सी टी यू आर ई लैक्चर वन टाइप किया, ये देखो तुहानू लैक्चर वन नाम की फाइल नज़र आ रही है। विंडो ने अपने आप उस टाइप किए शब्द के मुताबक उस नाम वाली फाइल लभी अते तुहानू दर्शा दिती। इत्थे तुहानू उसकी लोकेशन भी दसी जा रही है। यह फाइल माई डॉक्यूमेंट्स विच माई डाटा नाम के फोल्डर विच मौजूद है। यह सी सर्च बॉक्स
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਬਾਰੇ। ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨੀਮੇਟਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਕੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਸਕਟੌਪ ਦੇ ਖਾਲੀ ਭਾਗ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਡੈਸਕਟੌਪ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਕੋਰਨਰ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਵੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬੱਬਲਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਰਿਬਨਸ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਰਿਬਨਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ। ਮਾਊਸ ਹਿਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਗਲਤ, ਇਹ ਸਹੀ ਗਲਤ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮੇਤ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣ ਲਈ
बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही असी अगला लैक्चर लैके आवांगे।